नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे, ये सवाल आपको भी परेशान कर रहा होगा और खास करके राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के जो विभिन्न दल हैं उनको और ज़्यादा परेशान कर रहा होगा, क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर के ये बात जब से आई है तब से लगातार चर्चा हो रही है। इस चर्चा को विराम लगाते हुए कई ऐसी बातें कही गई और यहाँ तक कि राष्ट्रीय जनता दल ने भी अपने मन को संतोष दिलाया कि नीतीश कुमार अब ऐसा नहीं कर सकते हैं। हालांकि नीतीश कुमार ने भी कुछ दिन पहले कहा था कि वो अब भारतीय जनता पार्टी के साथ इस जीवन में तो नहीं जाएंगे, लेकिन इन सब बातों के बीच प्रशांत किशोर ने जैसे ही ये बात कही उसके बाद से फिर से एक बार बिहार की राजनीति में उबाल आ गया और इन सब बातों पर नीतीश कुमार कहीं ना कहीं घिरते नजर आ रहे थे, क्योंकि जहां एक तरफ प्रशांत किशोर की बात पर कई तरह के जवाब आ रहे थे, कई तरह के सफाई दिए जा रहे थे, वहीं नीतीश कुमार बिल्कुल चुप थे। अब इन सारी बातों को दरकिनार करते हुए नीतीश कुमार ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने को लेकर के क्या कुछ कहा है और प्रशांत किशोर के इस बात पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है, इसके अलावा उन्होंने और भी कई ऐसी बातें कही है और खुलासा किया है जिसे आप सुन करके फैसला कर सकते हैं कि आखिर नीतीश कुमार करने क्या जा रहे हैं। सुनिए क्या कहा है नीतीश कुमार ने बातचीत के दौरान। आज महीना कौन है? अक्टूबर है। अक्टूबर रिटायर करेंगे? और कभी कोई मान लीजिए कि कोई त्रुटि हो गई, कोई गलती से और फिर रियलाइजेशन हो गया तो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। बाकी सारा काम ये लोग बहुत मजबूती से कराते हैं, बाकी लॉ एंड ऑर्डर के लिए और सब चीजों के लिए, ताकि तेजी से सब, जब क्राइम होता है तो उसके बारे में जांच होती है, वो सब तेजी से कराएं। इसके बारे में तो हम लोग करते ही रहते हैं। प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि आप एनडीए के संपर्क में भी हैं, आप दादी का नाम लेते हैं, जो लगातार ये बातें बोल रहे हैं कि हरिवंश जी के माध्यम से आप भाजपा से बात कर रहे हैं। आप कृपा करके मुझसे कभी उनके बारे में मत पूछिए, एक बार तो हम बता ही दिए हैं, अब बाकी जिसको मर्जी है रोज बोलते रहता है, आई नहीं जानते हैं, उसको ठीक से जानते हैं, वैसे ही बोलते रहता है, अपनी पब्लिसिटी के लिए जानते ही हैं, अपना पब्लिसिटी के लिए बोलते रहता है, बोलते रहे क्या फर्क हम लोगों को पड़ता है। हम तो किसी जमाने में उसको बहुत माने हैं और अभी उसका मन क्या है, क्या क्या बोलते रहता है, बोलते रहे हमको कोई मतलब नहीं। अरे यंगर है, हमने जिन लोगों की इज्जत की है तो आपको मालूम है ना, आपको तो पता है ना कि हम लोगों की जो इज्जत की है, मेरे साथ कितना दुर्व्यवहार किया है, तो क्या कीजिएगा, छोड़ दीजिए, उस पर कोई कमेंट थी से रिलेटेड उस केस में जिस प्रकार से कन्विक्टेड लोगों को छोड़ा गया, हरियाणा में बाबा राम रहीम जो रेप के केस में, मर्डर के केस में कन्विक्टेड है, हर बार चुनाव आता है बीजेपी गवर्नमेंट छोड़ती है, अच्छा अनएम्प्लॉयड लोग, मुख्यमंत्री जी बहुत सारे ऐसे हैं जो बेरोजगार लोग सड़क पे घूम रहे हैं और उन पर लाठियां चल रही हैं, आपका चेहरा तो देखेंगे ना, बोलिए, बेरोजगार लोग जो है वो घूम रहे हैं और उनको लग रहा है कि उन्हें नौकरी नहीं दी जा रही है, जबकि सरकार में इतना खाली पद है फिर भी नहीं हो रहा। नहीं नहीं ऐसा मत सोच, उन लोगों को कोई गलत फहमी कोई कर रहा हो गलत बात है, एकदम बेरोजगारी को जितना जल्दी हो सकता है, चाहे वो किसी भी विभाग में हो, हम लोग बहुत तेजी से काम कर रहे हैं और आप जान लीजिए आज ही कितने लोगों को मिलेगा। इसी तरह से बराबर हम लोगों ने तय कर दिया है कि सब जगह का रोजगार जल्दी से जल्दी हो जाए, तो इसलिए हम सब लोगों का आग्रह करेंगे कि मत चिंता करो, हम लोग तो रोजगार की संख्या और ज्यादा बहुत बढ़ाने वाले हैं, सब उसी के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए सबने सोचना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली, ओ जे एगो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट करी 9386816700। धन्यवाद। पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट करी 9386816700। धन्यवाद।